हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑल इन वन चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेविंग स्कीम्स है उसके बारे में बताऊंगा कि आप किस सेविंग स्कीम पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा इंटरेस्ट पा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है। जो सबसे फर्स्ट चीज़, जो सबसे सिंपल चीज़ है, वो सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में। उसमें आप देखिए, 4% पर एनम जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है, और मिनिमम जो है 20 रुपये से आप ओपन कर सकते हैं। आज किसी भी बैंक में आप जाइए, कहीं 5,000, कहीं 1,000, कहीं 1,500, इससे कम जो है आप मिनिमम बैलेंस पे आप नहीं कर सकते। लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम है, इसमें मिनिमम बैलेंस बहुत ही कम होता है। आपने अकाउंट जो है कैश से खोल सकता है, और मिनिमम बैलेंस जो कि मेंटेन करना है मंथली, वो है 50 रुपये। अगर आपको चेक की फैसिलिटी चाहिए तो आपको फिर 500 रुपये करना पड़ेगा। एक साल में अगर आप 10,000 से कम इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में मिलता है, तो आपको उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो आपका अकाउंट है, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आराम से ट्रांसफ़र हो सकता है। एक पोस्ट ऑफिस में आपका एक ही अकाउंट होगा, और आपको जो है, अगर एक बार आप जब अकाउंट खुला लेते हैं, तो आपको उसमें जो है ट्रांजेक्शन करते रहना है। एटलीस्ट वन ट्रांजेक्शन जो है 3 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है स्लीपिंग मोड में आ जाता है। अब पोस्ट ऑफिस में एटीएम फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आपको अकाउंट के साथ एटीएम भी मिलता है, जिसके थ्रू आप पैसा जो है निकाल सकते हैं। और जैसा कि बाकी बैंकों में होता है कि आप अपना पैसा, अगर आपका पैसा आईसीआईसी बैंक में है, तो आप किसी भी ब्रांच में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल सेविंग स्कीम। उसके बाद अगर हम डिपॉजिट में बात करें, तो ये आता है 5 साल का आपका रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें आप देखिए, 6.9% जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इसमें आप फिर वही कैश के थ्रू आप या चेक के थ्रू अपना अकाउंट खुला सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, 6.9% का जो है आपका इंटरेस्ट है, और कितने भी आप अकाउंट खोल सकते हैं किसी पोस्ट ऑफिस में, और किसी माइनर के नाम पे भी आप खोल सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट जो है, और जॉइंट अकाउंट भी आप इसके रेकरिंग डिपॉजिट में खोल सकते हैं आप। तो इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेन है, वो 6.9% है, और उसके बाद से जो नेक्स्ट स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे कि हमारी एफडी होती है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में टीडी होता है, टाइम डिपॉजिट। इसमें क्या है कि अगर आप 1 साल के करते हैं तो 6.6% है, 2 साल के लिए 6.7% इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल के लिए 6.9%, जो सबसे बेस्ट है वो 5 साल के लिए। और ये 5 साल का जो आपका है, ये इसमें आपको 80 CC के अंडर जो है आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा, और ये आप इंडिविजुअली खुलवा सकते हैं, जॉइंट खुलवा सकते हैं, कैश या चेक किसी भी थ्रू खुलवा सकते हैं इसमें। और ये है आपका टर्म डिपॉजिट, ये कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, तो एक ही पोस्ट ऑफिस में आप कितने मर्जी टीडी करवा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप 5 साल वाले ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि आजकल सब इंटरेस्ट रेट घिरे हुए हैं, तो 5 साल वाला जो आपको 7.4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आपका सिंगल अकाउंट है और लेटर आप उसको जॉइंट में करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपका टर्म डिपॉजिट हो गया पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद से जो है पोस्ट ऑफिस की जो अच्छी स्कीम है, वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसको कहते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें आप देख सकते हैं, 8.3% पर एनम का आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है, जो लेटेस्ट 1/7/2017 के बाद से 8.3% इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन के लिए। बट ये जो स्कीम है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जो है जिसकी 60 ईयर्स की एज है, एन इंडिविजुअल ऑफ द एज 55 ईयर्स और मोर बट लेस देन 60 ईयर्स, और जिसने जो कि रिटायर हो गए हैं सुपर नेशन एंड अंडर VRS। ये एक स्पेशल कैटेगरी है, जिसमें आप 60 के अंडर हैं तो भी आप खुलवा सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल का है, और जो डिपॉजिटर है, जो भी सीनियर सिटीज़न है, वो एक या एक से ज़्यादा अकाउंट भी खुलवा सकता है, क्योंकि इसमें 5 साल की जो है बॉन्डिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड होता है। 1 लाख से कम या 1 लाख से अबव के लिए आपको जो है चेक देना पड़ेगा।
नॉमिनेशन फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपका अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस में, तो आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने सिंगल ओपन किया तो उसको जॉइंट में कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें रेट ऑफ़ इंटरेस्ट अच्छा है। और दूसरी बात यह, सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए ये एक बहुत अच्छी अच्छा प्लान है जो कि पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद से आता है पीपीएफ। पीपीएफ में 7.6% पर एनम का होता है, लेकिन इसमें जो टाइम होता है 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें 15 साल तक का जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है। इससे पहले वाला जो हमने सीनियर सिटीजन की बात की थी वो 5 साल का था, इसमें 15 साल का है। उसमें हमें 8.3% मिल रहा था, इसमें 7.6% मिल रहा है। इसमें प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड नहीं है। जो आपने इसमें डिपॉजिट किया है वो आपको ATC का इसमें रिबेट, इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये 15 साल का लॉकिंग पीरियड है। उसके बीच में आप विड्रॉल कर सकते हैं, बट कुछ अमाउंट कर सकते हैं, सारा नहीं कर सकते PPF में। तो ये है आपका PPF। उसके बाद से जो आता है वो आता है NSC सर्टिफिकेट्स। NSC सर्टिफिकेट्स का आप देख सकते हैं कि इसमें भी 7.6% मिलता है, PPF में भी 7.6% मिलता है। 5 साल के होते हैं NSC, और ये आप 100 रुपये से मिनिमम ले सकते हैं, उसके ऊपर जितना मर्जी ले सकते हैं। सिंगल होल्डर या आप जॉइंट होल्डर भी किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो है 7.6% है, और दूसरा जो इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है। इसके बाद से जो इनकी और स्कीम है वो है किसान विकास पत्र, इसमें 7.3% मिलता है। ये भी एक सर्टिफिकेट ही होता है जो आप खरीदते हो, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अमाउंट इन्वेस्टेड डबल्स इन 9 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। लगभग जो है 10 साल में आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। और उसके बाद जो लेटेस्ट इनकी स्कीम आई है वो आई है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो कि गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1% है, और कोई भी गार्डियन अपनी बच्ची के लिए ये खुलवा सकते हैं। और 10 साल से लेके आप अपनी बच्ची का, जब तक कि 21 ईयर्स की नहीं हो जाती तब तक आप जो है किसी बीच में खुलवा सकते हैं। बट ये है कि 21 ईयर्स में जो है इसको जो है अकाउंट क्लोज़ किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता है। इसमें मिनिमम 1,000, 1 साल के अंदर आपको मिनिमम 1,000 डिपॉजिट करना होता है। तो ये है सारी के सारी स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट वो होता है जैसे हमारी FD होती है, मंथली इनकम स्कीम जिसमें कि आप पैसा जमा कर देते हैं, आपको मंथली जो उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है आप अपने सेविंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स का सबसे बेस्ट है, इसमें 8.3 मिलता है। फिर PPF में 7.6 मिल रहा है, NSC में 7.6 मिल रहा है। ये सारे के सारे जो स्कीम हैं जिसके थ्रू जो है आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।